नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं नवीन गौतम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है पौधों को जानिए। ये एनसीईआरटी से संबंधित है और जो आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है 7 जुलाई को, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि इससे एक ना एक कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है ना, पौधों से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं और मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और उसके बाद मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके बीच रखूंगा और आपको पता चल जाएगा ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के साथ। चले तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है पौधों को जानिए, पौधे क्या होते हैं। अगर हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं तो पौधों की जो संरचना होती है ये होती है, ये पत्तियां होती हैं, ये तना होता है, ये जड़ें होती हैं, ठीक है, और पुष्प भी होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं तना क्या होता है। तना, अगर हम देखें कि कोई भी एक पौधा लीजिए, उस पौधे को हम बीज से काट देते हैं और बीज से काटने के बाद उसको एक रंगीन विलयन में डाल देते हैं और रंगीन विलयन में डालने के बाद अगर हम कुछ समय के बाद उसको देखें और उसको अगर हम कैंचे से काट दें तो उसमें हम छोटे छोटे उस रंगीन जो द्रव होते हैं उसके तने में हमें दिखाई देता है, लेंस से माध्यम से हमें दिखाई देता है, तो वो इस टाइप से दिखाई देगा। तो ये पाइप रूपी एक संरचना होती है जिससे ये क्या होता है, जो हमारे जमीन में जो जड़ों के माध्यम से जो हमारे जमीन में जल होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वो जमीन से लेके पत्तियों तक पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाए जाते हैं। दूसरा है पत्तियां। एनसीईआरटी की बुक में एक टेस्ट है, वो काफी सीटेट में पूछा जाता है कि यदि पत्ती को स्प्रिट में डाल दिया जाए, स्प्रिट होता है अगर एक पत्ती को हम स्प्रिट में डाल दें और उसे जल के साथ गर्म कर दें, उसे उसके बाद जल के साथ गर्म कर दें जब तक कि उसका जो हरा रंग होता है वो तब तक उतर ना जाए, उसके बाद पत्ती में आयोडीन विलयन का हम अगर टेस्ट करते हैं और आयोडीन विलयन का टेस्ट करने पर अगर उसका रंग नीला या काला होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है एक मंड को, ठीक है ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है। हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है हम जानते हैं, एंड प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट पे कि देखिए जो पत्तियां होती हैं दो टाइप की होती हैं। अगर पत्तियां इस टाइप की संरचना होती है कि एक मेन सिरा होता है, एक मेन सिरा विन्यास होता है, उसमें जाल के रूप में फैला होता है तो उसे जाल का सिरा विन्यास कहते हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी रेखाएं हैं सब समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब ये होता है, ये ऐसे अगर इस टाइप की कोई संरचना होती है तो वो समांतर सिरा विन्यास होता है। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। अब है जड़। जड़ भी दो प्रकार की होती है, मुसरा जड़ और रेसादार जड़। मुसरा जड़ में जो होता है एक मेन जड़ होती है, उसके काफी रूट होते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे रूट होते हैं तो वो मुसरा जड़ होता है, जबकि रेसा जड़ जो होती है एक रेजा टाइप की होती है, सेंटर यहाँ से शुरू होता है और खूब सारी इसमें क्या होती है, जड़ होती है। नेक्स्ट आते हैं पुष्प क्या होते हैं, फ्लावर क्या होते हैं। फ्लावर में हम दो चीज देखते हैं, एक होता है बाह्य दल, एक होता है पंखुड़ी। आपने अगर गुलाब का फूल देखा होगा तो उसमें एक बाह्य दल होता है, एक क्या होता है पंखुड़ी होती है, जो आपको जो फूल बनता है जिसपे, ठीक है, तो वो पंखुड़ी होती है और बाह्य दल होता है। अगर हम पुष्प से बाह्य दल और पंखुड़ी को हटा दें तो हमें दो चीज मिल जाती है, एक होता है पुंकेश्वर, एक होता है स्त्रीकेश्वर। स्त्रीकेश्वर जो आपका बीच का सेंटर होता है वो स्त्रीकेश्वर होता है, जबकि जो उसके चारों ओर होता है उसको हम पुंकेश्वर कहते हैं। अगर हम पुंकेश्वर को एक पुंकेश्वर की अगर हम संरचना देखते हैं तो हमें इस प्रकार से दिखाई देती है, जो आपका ये सेंटर, जो ये आपका लाइन होता है इसको हम बोलते हैं तंतु, और जो ये सेंटर जो इसके ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं पराग कोष बोलते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कैसे इसमें एक बीज का निर्माण होता है,
ठीक है। और स्त्री केशर में क्या होता है, स्त्री केशर का अगर हम एक देखें अगर इस फिगर को, तो ये वर्तिकांग होता है, वर्तिका होती है एंड अंडाशय होता है। अंडाशय को अगर हम देखें किसी लेंस के माध्यम से, तो अगर उसको काट के हम अंडाशय को देखें तो हमें यहाँ पर बीजाणु मिलता है, जो कि बाद में जब होता क्या है, जब हम आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब एक फूल की बीज की एक संरचना जब होती है, जब एक बीज का निर्माण होता है, बीज से फल बनता है, तो होता क्या है कि पराकोष में जो परागकण होते हैं वो जाके वर्तिकांग में आ जाते हैं, जिससे कि निषेचन जो प्रक्रिया होती है वो आगे प्रोसेस होती है, वो हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। अब हम इसको कंप्लीट करने के बाद एक टॉपिक छूट गया है, इसमें है गेंदा सूरजमुखी यह एक पुष्प नहीं है, ये पुष्पों का गुच्छा होता है, ये सीटेट में पूछा गया है। गेंदा और सूरजमुखी क्या है, पुष्प नहीं है। वरन ये क्या है, पुष्पों का एक क्या है, गुच्छा होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने ये सब पढ़ा, आइए इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, सीटेट में कैसे पूछे जाते हैं। सीटेट में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 73 है, ये सीटेट 2016 का पेपर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एकल पुष्प नहीं है, ठीक है, वर्ण पुष्पों का एक गुच्छा है, 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन है सूरजमुखी, धतूरा, गुलाब या गुड़हल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सूरजमुखी, ठीक है। और देखते हैं 2016 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बांस के पौधे की पत्तियां, सिरा विन्यास और जड़ किस प्रकार की होती है। आपने बांस का पौधा देखा होगा तो उसमें जड़ और जो पत्तियां होती है वो कैसे होती हैं। तो आपको पता है कि जो बांस होता है वो समांतर सिरा विन्यास होता है। क्या होता है, समांतर सिरा विन्यास होता है। और जो जड़ें होती है वो क्या होती है, रेशेदार जड़ें होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो रहेगा सी, समांतर सिरा विन्यास होगा और रेशेदार जड़ होगा। लिखा हुआ है दो भाग में बताया गया है कि पुंकेश्वर और स्त्रीकेश्वर के भाग सही सही दर्शाए गए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं तो उस ऑप्शन नंबर जो ए है कि पुंकेश्वर में केवल पराकोष होता है और तंतु होता है, स्त्रीकेश्वर में क्या होता है, वर्तिकांग होता है, वर्तिका होती है, अंडाशय होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ए सही है। देख लीजिए, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़ते हैं तो जड़ें और पत्तियां किस प्रकार की होती हैं। जो घासें होती हैं आप उनकी पत्तियां अगर देखते हैं तो उनकी जो पत्तियां होती हैं किस टाइप की होती हैं, सिरा विन्यास टाइप की होती हैं। क्या होती है, सिरा विन्यास टाइप की होती हैं। और जो जो जड़ें होती हैं वो क्या होती है, रेशादार होती हैं। आप देखते हैं अगर जो कोई घास होती है बहुत ही मजबूती के साथ होती है तो वो रेशेदार जड़ होती है और समांतर सिरा विन्यास होती है। 2013 का पेपर है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे दिए गए पद में से किसी पुष्प की मादा भाग को संगठित करता है कि मादा भाग में स्त्री केशर में कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सी, वर्तिकांग, अंडाशय एंड वर्तिका होती है। वर्तिकांग, अंडाशय और वर्तिकांग होती है, ये ऑप्शन नंबर सी में सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए गौतम एकेडमी को और वीडियो पाइए सबसे पहले। उत्तराखंड की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए अभी सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
And on we'll go.